नम आंखों से दी गई दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। पिछले दिनों पत्रकारिता जगत के पुरोधा दो पत्रकारों के निधन से गमगीन पत्रकार जगत के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन द्वारा दिवंगत पत्रकार सुरेश गुप्ता व बीबी लाल को एक शोक सभा कर वरिष्ठ पत्रकार अनूप अवस्थी के मार्गदर्शन में सुरेश गुप्ता व बीबी लाल के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर व कैंडल जलाकर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश चौधरी, आदेश तिवारी, अजय चौरसिया, गौरवेंद्र अवस्थी, मिथिलेश पुनीत सिंह, अश्वनी यादव, सविता लोधी, सुभाष चंद्र, आनंद शर्मा, सुजीत धानुक, विशाल धानुक पदम आदि रहे। शोक सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अनूप अवस्थी ने कहा कि सुरेश गुप्ता व बीबी लाल दोनों की कमी पत्रकारिता जगत को हमेशा खा लेगी। वही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश चौधरी ने सुरेश गुप्ता के विषय में बताते हुए कहा कि वो 83 साल के युवा थे जिन्होंने पत्रकारिता जगत को एक नई राह दिखाई। अपने संबोधन के दौरान राजेश चौधरी अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। उनके आंखों से निकले आंसुओं ने सबकी आंखें नम कर दी। उक्त शोक सभा के व्यवस्था प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी अंगद उर्फ मिथिलेश व पदम ने किया। जनमंच खबर के लिए उन्नाव से प्रभारी रिंकी सोनकर की रिपोर्ट।